नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे आपको पहले ले चलते हैं भिंड। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया और बजरिया को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन नगर पालिका प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे में बजरिया वासियों को खाली करना पड़ेगा। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाका 100 साल पुराने हनुमान बजरिया बाजार में चिन्हित किए गए 230 अतिक्रमण को 7 दिनों में हटाने के लिए हाई कोर्ट का आश्वासन दिया है। नगर पालिका को कार्रवाई करने के बाद अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करनी होगी। कोर्ट इस मामले में 23 सितंबर को फिर से सुनवाई करेगा। अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट की सख्ती से नगर पालिका और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है। 11 सितंबर 2019 को हुई सुनवाई में कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए नगर पालिका ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि नगर पालिका 7 दिन के भीतर बजरिया को अतिक्रमण मुक्त करा देगी। इस संबंध में कोर्ट की ओर से कलेक्टर और सीएमओ को तारीखों का आदेश पालन कराने के निर्देश भी जारी किए गए। नगर पालिका ने 230 अतिक्रमणकारियों को अपना अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और यह अगर अतिक्रमणकारी अपना अवैध कब्जा नहीं हटाते हैं तो उसको नगर पालिका हटा देगी। वहां के रहवासियों का कहना है कि हम 100 साल से यहां निरंतर निवास कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी से संबंधित समस्त दस्तावेज भी हैं, पर हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी नगर पालिका के द्वारा हमको नोटिस दे दिया गया है जिसमें हमें 24 घंटे में अतिक्रमण तोड़ने को कहा गया है। अब हम जाएंगे कहाँ? इस प्रकार से हम लोगों के सर पर छत का साया भी प्रशासन छीन रहा है। बजरिया को तोड़ने के लिए कई बार निर्देश दे चुके हैं और कई बार नोटिस भी बांटे जा चुके हैं, लेकिन अब देखना यह होगा हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन नगर पालिका प्रशासन क्या तोड़ पाता है, बजरिया का अतिक्रमण हटा पाता है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर गिरिराज गौरे। नागपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा मानव तस्करी के संबंध में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से कल 14 सितंबर को टूर डे का भव्य आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन एवं यूनिसेफ के द्वारा टूर डे का आयोजन किया जा रहा है। कल 14 सितंबर को शहर के रणिता स्टेडियम से जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा 50 साइकिल सवार दल को राजपुरी जलप्रपात के लिए रवाना किया जाएगा। रणिता स्टेडियम से राजपुर जलप्रपात की दूरी 100 किलोमीटर है। साइकिल सवारों का दल सोनक्यारी सन्ना होते हुए राजपुरी जलप्रपात पहुंचेगी, जहां पे इस कार्यक्रम का समापन होगा। जसपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर संतोष गुप्ता। प्रशासन की उदासीनता के चलते आदिवासी बाहुल्य ग्राम कुकड़ा में एक परिवार 3 दिनों से भूखों मरने को मजबूर है। मानवता को शर्मसार करती एक तस्वीर हम आपको स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक माँ अपनी 2 बेटियों के साथ जंगल में कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। आपको बता दें, शासन प्रशासन की उदासीनता और लचर व्यवस्था की हद यहां तक पार हो गई कि एक बैगा जनजाति की महिला शासन की मूलभूत सुविधाओं से आज भी कोसों दूर है। इतना ही नहीं, 2 वक्त की रोटी को भी लाले पड़े हुए हैं। पूरा मामला बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुकड़ा का है, जहां पर एक महिला प्रशासन की उपेक्षा के चलते अपनी 2 बेटियों के साथ बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर है। रहने को घर के नाम पर बांस बल्लियों से बना झोपड़ा है, जिस पर तिरपाल डालकर किसी तरह काम चलाया जा रहा है। खाने को घर में कुछ भी नहीं, इसलिए जंगल के कंद मूल खाकर वह अपने परिवार का लालन पालन कर रही है। गौरतलब हो कि पूरे परिवार को पिछले 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ है। भले ही शासन बैगा जनजाति के उत्थान के लिए करोड़ों खर्च करने का दम भरती हो, परंतु कुकड़ा ग्राम की नानी बाई के परिवार को देखकर हकीकत कुछ और बयां करती है। इस मामले में बैयर SDM चंद्र प्रताप गोहल से बात की गई तो उन्होंने तत्काल मदद करने का आश्वासन देते हुए शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बैगा जनजाति, जिन्हें राष्ट्रीय मानव कहा जाता है, वह इस तरह का जीवन बिताने पर मजबूर है। बालाघाट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राजकोमल बिसेन। नेशनल हाईवे 75 के सड़कों पर इन दिनों जाम के हालात बने हुए। इन सड़कों से निकलने वाले वाहनों को
जाम से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस जाम से निजात दिलाने की कोशिश ना तो प्रशासन ने की है, ना ही सड़क निर्माण करने वाली कंपनियों के ठेकेदारों ने। डबरा शहर से निकले नेशनल हाईवे 75 और बाईपास हाईवे दोनों तरफ सड़क निर्माण कर रहे हैं। ठेकेदारों की लापरवाही और मनमानी के चलते हफ्ते भर से जाम के हालात बने हुए हैं, जिससे दूर दूर से निकलने वाले ट्रक, बसें और छोटे वाहनों के साथ स्कूली गाड़ियों में बैठे बच्चों को जाम में घंटों तक फंसकर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाईपास हाईवे सड़क पर पुलिया टूटी होने से तेज रफ्तार पानी बहाव के कारण बड़े वाहनों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर निकलना पड़ रहा है। हालांकि यहां से निकलते समय कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। वहीं हफ्ते भर से लगे इस जाम से निजात दिलाने के लिए SDM राघवेंद्र पांडे ने प्रशासन व दोनों सड़कों का निर्माण कर रहे ठेकेदारों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की है, पर अब तक ठेकेदारों की मनमानी के चलते कोई निर्माण नहीं निकल पाया है। वहीं प्रशासन और सड़क निर्माण कंपनियों के ठेकेदार अगर चाहे तो बाईपास से वैकल्पिक व्यवस्था कर हाईवे की टूटी पुलिया को दुरुस्त कराने के बाद वाहन निकाले जा सकते हैं, पर शायद लगता है कि किसी को इस जाम में फंसे लोगों की चिंता या फिक्र ही नहीं है। डबरा से एक्सप्रेस रिपोर्टर सतीश दुबे। भोपाल में हुई नाव दुर्घटना से सबक लेकर जबलपुर प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। यहाँ पर विसर्जन कुंडों और नर्मदा में पुलिस बल और SDRF के जवान तैनात किए गए हैं। भोपाल के पास हुई नाव दुर्घटना से सबक लेते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने विसर्जन कुंडों और नर्मदा घाट के तटों पर पुलिस बल के जवानों की संख्या बढ़ा दी है। SDRF के जवान भी यहां पर बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं, जो कि किसी भी तरह के नाव संचालन पर रोक लगाए हुए हैं। विसर्जन कुंडों में जो नाव है उन नावों पर सवारी नहीं की जा सकती है, वहां पर नाव संचालक ही मूर्तियां लेकर विसर्जन कुंडों में मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं। जिला प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी बड़ी परेशानी और आपदा से निपटने के लिए सुरक्षा के प्रावधान करना जरूरी है, इसलिए इस तरह का बंदोबस्त किया गया है। यदि नदी और पानी के पास सावधानी बरती जाए तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। कांकेर जिले के श्री मैट्रिक बालक छात्रावास यूथ मंडल में आश्रम में पदस्थ कर्मचारियों की जमकर शिकायत करने का मामला सामने आया है। यहाँ पर कार्यरत दो चपरासियों को क्रिकेट सिस्टम से बेदम पिटाई कर दी है, जिससे दोनों चपरासी भयभीत है कि कहीं अधीक्षक हमारा दोबारा पिटाई ना कर दे। चपरासी जम्मन और बुद्राम पुड़ो ने बताया कि हमारे छात्रावास का अधीक्षक सुबह से ही हमको गाली गलौज कर रहा था, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए इसकी जानकारी अधीक्षक के पिताजी को फोन से दिए। अधीक्षक के पिताजी ने जब अधीक्षक को फोन से फटकार लगाई तो अधीक्षक मनीष कोमरे ने मेरे बारे में पिताजी को जानकारी देते हो कहकर क्रिकेट सिस्टम से पिटाई किया। चपरासी जम्मन से बताया कि मुझे हॉस्टल परिसर में मारा। वहीं बुधराम पुड़ो ने भी बताया कि मुझे कमरे में बंद कर बेदम पिटाई की है। अधीक्षक द्वारा कमरे में बंद कर पिटाई कर किए जाने से दोनों कर्मचारी डरे हुए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर सलाम। रिपलानी क्षेत्र में उस टाइम माहौल गमहीन हो गया जब एक ही मोहल्ले से 11 अर्थियां उठी। राजधानी में हुए नाव हादसे में 11 युवकों की मौत के बाद मृतकों के घर पर नेताओं का जमावड़ा लग गया। पिपलानी के सो क्वार्टर में रहने वाले मृतकों के परिजनों से मिलने एक के बाद एक कई बड़े नेता पहुंचे। सबसे पहले भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह और विधायक विश्वास सारण ने यहां पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान साध्वी प्रशासन की लचर व्यवस्था को 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया। नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह भी विधायक आरिफ मसूद के साथ यहां पहुंचे। जयवर्धन सिंह ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें दिलासा दिया और युवकों की अर्थी को भी रवाना कराया। जयवर्धन सिंह ने बताया कि 4 नाविकों पर FIR दर्ज की गई। इसके अलावा जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों के परिजनों की सभी मांगों पर विचार करेगी और जीवन भर परिजनों के साथ खड़ी रहेगी।
शासन प्रशासन मुस्तैद तो दिखा, लेकिन राजनीतिक अपनी राजनीति यहाँ पे भी दिखाने को मजबूर हुए। कहीं राजनेताओं ने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस दुखद घड़ी में भी अपनी राजनीति नहीं छोड़ी। समय बताएगा कि इन राजनीतिकों को कब ये इस प्रकार की घटनाओं पे भी राजनीति नहीं छोड़ सकते। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर, दिव्य भोपाल। शाजापुर जिले में हो रही लगातार तेज बारिश से जिले के सभी दर्जन नाले उफान पर और जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। शाजापुर जिले में लगातार बारिश का सिलसिला जारी, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र की चिल्ला, लखुंदर, कालीसिंध, पार्वती, नेवज नदियां उफान पर और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चिल्ला नदी का पानी दुकानों और घरों तक पहुंच गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के भी हाल बुरे हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और आवागमन के रास्ते बंद हो गए हैं। ग्रामीणों को रोजमर्रा के सामान के लिए जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नाले को पार करना पड़ रहा है। शाजापुर जिले में अभी 52 इंच बारिश हो चुकी है और मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि उफनते नदी नाले पार ना करें। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश जबकि। मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने के लिए आज दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री की दिल्ली रवानगी से प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुटबाजी और आपसी खींचतान की वजह से नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो सकी है। ऐसे में कमलनाथ की दिल्ली रवानगी से ये माना जा रहा है कि उनकी नए अध्यक्ष को लेकर भी सोनिया गांधी से चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की रुचि की वजह से मामला उलझ गया है। सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक भी उनकी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी चाहते हैं। माना जा रहा है कि कमलनाथ से चर्चा कर पार्टी हाईकमान नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकता है। उम्मीद की जाना चाहिए पीसीसी चीफ अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी हाईकमान कोई ना कोई सुलह का रास्ता निकाल ही लेगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने विनम्र स्वभाव के लिए प्रदेश भर में लोकप्रिय हैं। उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने नेत्रदान करने की घोषणा की है। दरअसल सिंहदेव प्रदेश में लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक करना चाहते हैं। लोगों से नेत्रदान की अपील करने से पहले उन्होंने खुद अपनी आंखें दान करने का फैसला लिया, ताकि किसी को अंधेरा दुनिया से रोशन मिल सके। सिंहदेव ने कहा कि मृत्यु के बाद भी यदि हमारा शरीर किसी के काम आ सके तो यह संतोष की बात है। नेत्रदान के प्रति भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। इसमें एक छोटा सा कट लगाकर केवल आंख की कार्निया निकाला जाता है। इसमें किसी भी तरीके से आंख या शरीर का क्षत विक्षत नहीं होता है। नेत्रदान के बाद आपकी आंखें किसी और की भी जिंदगी रोशन कर सकती है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी नेत्रदान कर देश भर के लोगों के प्रति एक मिसाल पेश की है। वाकई में लोगों को जागरूक होकर नेत्रदान करने की जरूरत है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल। झांकी में लगने वाले पंडालों को लेकर हो रही सियासत, पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने अनुमति नहीं मिलने के बाद कलेक्टर से की शिकायत। शनिवार को शहर के प्रमुख स्थानों से होकर गणेश विसर्जन की झांकियां निकलेगी, लेकिन झांकी निकलने से एक दिन पहले विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। दरअसल पूर्व मंत्री राजेश मूणत और उनकी समिति द्वारा झांकी का स्वागत करने के लिए जयस्तंभ चौक के पास पंडाल लगता है, लेकिन इस बार जयस्तंभ चौक के पास पंडाल लगाने की अनुमति उनको नहीं मिली है। इधर अनुमति नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री राजेश मूणत अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। मूणत ने कलेक्टर से मुलाकात कर इसको लेकर नाराजगी जताई है। वहीं अगर शाम 5 बजे तक पक्ष में निर्णय नहीं मिलता तो भाजपा इसका विरोध करेगी। कलेक्टर से मुलाकात के बाद राजेश मूणत ने धार्मिक राजनीति का आरोप लगाया है। मूणत ने कहा कि रायपुर शहर की जो परंपरा चल रही है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद जो लगातार जो गणेश विसर्जन होता है, उन झांकियों का सम्मान, अभिनंदन और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चलते आ रहा है। हर साल राजनीतिक दल के लोग पंडाल वहाँ पर लगाते हैं। 17 साल से मेरा भी पंडाल लग रहा है। पंडाल की स्वीकृति के लिए 5 तारीख को ही समिति के माध्यम से आवेदन देकर अनुमति मांगी थी, लेकिन समिति के आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया गया। कलेक्टर से आग्रह है कि हमने आखिर में परेशानी क्या है, पंडाल हमने पहले भी लगाया था, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि अनुमति नहीं दी गई है। झांकियों के दौरान स्वागत मंच लगाने के लिए 10 दिन पहले अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन अनुमति लेने के बावजूद राजेश मूणत को जयस्तंभ चौक के पास पंडाल लगाने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद राजनीति गर्म है। और अगर अनुमति नहीं मिलती तो इसका विरोध भाजपा व्यापक तौर पर करेगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। राजधानी रायपुर में 14 सितंबर को गणेश झांकियां निकाली जा रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है।
राजधानी समेत पूरे देश में गणेश उत्सव का त्यौहार 2 सितंबर से मनाया जा रहा है। गणेश भगवान की स्थापना गणेश चतुर्थी में होती है, तो वहीं उनका विसर्जन अनंत चतुर्दशी में किया जाता है। राजधानी में 12 सितंबर से विघ्नहर्ता का विसर्जन किया जा रहा है। वैसे तो गणेश प्रतिमा का विसर्जन तीसरे, पांचवें और सातवें दिन भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। राजनांदगांव के साथ साथ रायपुर में भी गणेश समितियों द्वारा झांकियों की प्रस्तुति की जाती है। पूरे प्रदेश के लाखों की संख्या में लोग झांकी देखने रायपुर आते हैं। शहर की झांकियों की परंपरा लंबे समय से चलते आ रही है। इस बार राजधानी रायपुर में झांकी 14 सितंबर को निकाली जाएगी। राजधानी के गणेश समितियों द्वारा झांकी को लेकर अपने अपने पंडालों में तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन एवं निगम अमला द्वारा शहर के यातायात से लेकर झांकी के रूट और प्रभावित होने वाले मार्गों पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। झांकी की रात शहर के सभी रूटों पर हजारों की संख्या में पुलिस जवान पूरी रात तैनात रहेंगे। महादेव घाट पर भी विसर्जन की पूरी तैयारी कर दी गई है। विसर्जन कुंड के साथ ही महादेव घाट में पुलिस के बड़े अधिकारी भी तैनात हैं। विसर्जन के वक्त किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो उसके लिए भी निगम कर्मियों की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। अब देखना ये होगा पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी सुरक्षा करने के बावजूद झांकियों में होने वाली दुर्घटना पर किस तरह से नकेल कस पाती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। इसका विरोध पार्षदों ने किया था, अब इसके बाद आम जनता इसका विरोध करने लगी है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा जिस तरह से वार्डों का परिसीमन किया गया है उसके खिलाफ पार्षदों के बाद अब आम जनता की आवाज भी बुलंद होने लगी है। परिसीमन के बाद जिस तरह से वार्ड नंबर 45 स्याही मुड़ी की तस्वीर बदली है वह क्षेत्र की जनता को रास नहीं आ रहा है। लोगों का आरोप है कि इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही है। वार्ड परिसीमन को लेकर उपजे विवाद को शांत नहीं करने से आगामी नगरीय निकाय चुनाव में प्रशासन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। परिसीमन के बाद जिस तरह से वार्डों का भूगोल बदला है उसे लोग का विरोध सामने आने लगा है। इस प्रक्रिया के विरोध में सबसे पहले वार्ड नंबर 45 स्याही मुड़ी के लोग सामने आए हैं। वार्ड के लोगों का आरोप है कि परिसीमन से पहले न तो उनसे राय ली गई है और न ही संबंध में उन्हें अवगत कराया गया है। लोगों ने मनमाने तरीके से परिसीमन करने की बात कही है। लोगों की माने तो परिसीमन के बाद उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इससे निजात पाने वो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव। भोपाल के लिए शुक्रवार का दिन ब्लैक शुक्रवार बन के आया, जब आज सुबह गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 11 लोग काल के गाल में समा गए। राजधानी भोपाल के पिपलानी क्षेत्र के 11 परिवार के 11 चिराग आज पानी में डूब गए। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान नाव पलटने से 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल SDRF NDRF की तमाम गोताखोरों की टीम ढूंढ रही है, जबकि 6 लोगों की किसी तरह तैर कर जान बचाई जा सकी है। पूरे मामले में अब सरकार हमलावर हो गई है। सरकार ने साफ तौर पर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सभी मृतकों के परिजनों को 11 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है। हृदय विदारक घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक विशाल मूर्ति नाव में रखकर जिस तरीके से 19 व्यक्ति बिना कोई सुरक्षा जैकेट पहने हुए मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं, मतलब साफ है वहाँ पर नियमों को ताक पे रखा गया। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रशासन पर हमला बोल रही है और साफ तौर पर लापरवाही का आरोप लगाती नजर आ रही है। फिलहाल लेकिन लापरवाही के चलते 11 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रमोद शर्मा। भिंड की ग्राम पंचायत उमरी के शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय में जब रसोई में खाना पक रहा था तभी LPG सिलेंडर में आग भड़क उठी और रसोईया बाल बाल बचा, जिससे विद्यालय प्रबंधन भी घबराने लगा और आनन फानन में छात्रों की छुट्टी कर दी। जनपद पंचायत भिंड की ग्राम पंचायत उमरी में शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय में एकीकृत शाला की व्यवस्था की गई है, जहाँ मिडिल और प्राइमरी के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन रसोई में बनाया जा रहा था। अचानक ही रसोई में रखी LPG सिलेंडर में आग लग गई, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई और विद्यालय के स्टाफ ने छात्रों से बाहर कहने की बात कही, जिसमें छात्र अपना अपना वस्त्र लेकर बाहर पहुंच गए। बांस बल्ली के सारे सिलेंडर को रसोई से बाहर निकाला। वहीं थाना स्टाफ थाने में रखे कंबल को लेकर
भेंगों का सिलेंडर के ऊपर डाल दिया, तब कहीं आग पर काबू पाया गया। वहीं माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय में अग्निशामक यंत्र नहीं है। मौके पर पुलिसकर्मी नहीं पहुंचते तो ये आग बड़ी हो सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। इस संबंध में जब भिंड डीओ से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय में अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। यह व्यवस्था केवल हायर सेकेंडरी स्कूल में है, उसमें भी रखा अग्निशामक यंत्र पूरी तरीके से बंद था। अब देखना ये होगा कि भिंड जिले में शिक्षा विभाग कितना सतर्क होता है, क्या हर विद्यालय में अग्निशामक यंत्र रखवाएगा या नहीं। राघवेंद्र सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, उमरी भिंड। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि भोपाल में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन भाजपा इस मामले में ढकोसला कर रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भोपाल के खटलापुरा घाट पर हुए हादसे को लेकर दुख जताया है। मंत्री वर्मा का कहना है कि सीएम कमलनाथ ने मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस हादसे पर कांग्रेस सरकार किसी भी तरह की राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह से भाजपा नेताओं द्वारा मृतकों के परिवार के लिए 25 और 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, वह सब उनका ढकोसला और आडंबर है। भाजपा ने अपने 15 साल के शासनकाल में ऐसे किसी हादसे में जो मुआवजा राशि नहीं दी, उसकी मांग वो कैसे कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय द्वारा सीएम कमलनाथ पर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का श्रेय लेने के आरोप पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि श्रेय लेने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है। अपने 2 माह के कार्यकाल में सरकार ने मंगलयान को अपनी उपलब्धि बताया था। इसके साथ ही मंत्री वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को मदारी भाई की उपाधि भी दी है और कहा कि कैलाश विजयवर्गीय हर चीज अपने ऊपर ओढ़ने लग गए हैं। मंत्री वर्मा का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पहले अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, फिर आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्ट, अर्पिता अग्रवाल। शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल MY के अंदर पानी घुस गया है, जिससे मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद आखिरकार मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी दौरान देर रात हुई बारिश के चलते शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया। लगभग शहर के सभी तालाब लबालब हो चुके हैं। उसके बावजूद मौसम विभाग द्वारा आगामी 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गुरुवार देर रात हुई तेज बारिश के चलते शहर जलमग्न हो गया है। वहीं प्रदेश का सबसे बड़ा MY अस्पताल विश्वास सेवाएं चरमा गई है, जहां अस्पताल में बने KD वार्ड और अन्य वार्डों में पानी भर जाने के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं शहर भर में लगातार हो रही बारिश के चलते जहां एक और MY अस्पताल में पानी भर जाने के चलते डॉक्टर और मरीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर घुटनों तक भरे पानी में डॉक्टरों को इलाज करने में काफी समस्या आ रही है। देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद KD वार्ड में डॉक्टर पहुंचे तो वहां पूरी तरह जलमग्न हो चुका था। पानी KD और अन्य वार्डों में घुटनों तक पानी भर जाने के चलते मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के नदी तालाब पूरी तरह लबालब हो चुके हैं। फिलहाल मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट के बाद प्रशासन भी सख्त हो चुका है। कई निचली बस्तियों को लगातार दौरा कर किया जा रहा है। वहीं किसी तरह की आपदा आने पर प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैद है। गोरख लंबे की इंदौर में 4 दिनों की जमाजम के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और तेज बारिश होगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर के बोरापुर थाना क्षेत्र की रामदास घाटी में एक बुजुर्ग महिला की बदमाशों ने गला दबाकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार रामदास घाटी पर स्थित सोनारों की बगिया में 85 वर्षीय जग्गोबाई अपने 3 बेटों नरेश, दिलीप और धर्मेंद्र के साथ रहती थी। उनके बेटे मकान के ऊपरी हिस्से में रहते हैं जबकि बुजुर्ग जग्गोबाई नीचे रहती थी। मृतका के बेटे दिलीप कुमार पचौरी के अनुसार आज सुबह छोटा भाई धर्मेंद्र जब उन्हें चाय देने आया तो वे बिस्तर पर लहूलुहान हालत में मृतावस्था में पड़ी थी और जग्गोबाई के दोनों पैर किसी धारदार हथियार से काटे गए थे। मृतका के बेटे के अनुसार उनकी माँ पैर में चांदी के कड़े पहनती थी जो कि गायब है। परिजनों ने तत्काल पुलिस को वारदात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से मुआयना किया। प्रारंभिक जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को मौके से कोई हथियार नहीं मिला है। पुलिस का मानना है कि संभवतः बदमाशों ने पहले गला दबाकर जग्गोबाई की हत्या की होगी और बाद में पंजे काट कर कड़े उतार कर ले गए होंगे। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर धर्मेंद्र शर्मा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अवैध उत्खनन को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश शासन पूरे प्रदेश में चेक पोस्ट बनाए, साथ ही अवैध उत्खनन के वाहनों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही मैनुअल की जगह इलेक्ट्रॉनिक चालान बनाए जाएं और रेत की खदान पर वैध पनडुब्बी हितैषी मशीन का रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही सभी वाहनों को GPS सिस्टम से जोड़ा जाए और किस नदी से रेत निकाली है ये वैध लाइसेंस धारक को बताना होगा। वहीं अवैध खनन को रोकने के लिए गांव में सेल्फ ग्रुप बनाने की भी आदेश दिए हैं। साथ ही शासन ने कोर्ट ने इस आदेश की कंप्लीट रिपोर्ट 18 नवंबर को पेश करनी होगी। दरअसल में उमेश बोहरे ने एक जनहित याचिका लगाई जिसमें कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में नदियों से अवैध रूप से रेत खनन हो रहा है, जिसमें पुलिस और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खनन माफिया नदी को छलनी करने का काम कर रहे हैं। अवैध उत्खनन को लेकर पहले से ही प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है, ऐसे में हाईकोर्ट का आदेश कई मायनों में अहम देखा जा रहा है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। एक्सप्रेस रिपोर्टर में लाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस।